तुम्हारे सामने रखी है गर्मा गर्म, उसका कोना तोड़ते हैं। तो चीज़ें सबसे तुम्हारे लिए दूर की हैं, दूर की है माने समाज की है नहीं, दूर की है माने तुम्हारे इतने निकट नहीं है कि तुम उनको बदलो तो तुम्हारा आंतरिक ढांचा ही ध्वस्त हो जाए। उनको तुम्हारे लिए बदलना आसान रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि रोटी किनारे से काटी जाती है आरंभ में, बीच से करोगे हाथ जल जाता है। तो जो रोटी तुम्हारे सामने रखी है गर्मा गर्म, उसका कोना तोड़ते हैं। तो जो चीज़ें ठीक करनी है, जहाँ तोड़फोड़ करनी है, जहाँ नीति नीति करनी है, उन चीज़ों की करो जिनकी आसानी से कर सकते हो, शुरुआत वहाँ से करो, ठीक। लेकिन जहाँ नए निर्णय लेने जा रहे हो, वहाँ सबसे ज़्यादा सतर्क उन निर्णयों में रहो जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए अत्यंतिक हो जाएंगे, निकट के हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे। क्योंकि उन्हीं निर्णयों को तो आगे पलटना मुश्किल हो जाता है। तो पलटने की शुरुआत वहाँ से करो जहाँ पलटना आसान हो, और रोकने की शुरुआत वहाँ से करो जहाँ पलटना आसान नहीं होने वाला। इसलिए तो रोकना है, क्योंकि अगर कर दिया तो पलट नहीं पाएंगे, हम उल्टा कर देते हैं। खासतौर पर युवा लोग अध्यात्म के संपर्क में आते हैं और मैं बोलता हूँ उसमें से दो चार शब्द पकड़ लेते हैं, विरोध, विद्रोह, संघर्ष, क्रांति, ज्वालामुखी, भूचाल, और वो शुरुआत कर देते हैं बिल्कुल वहाँ से जहाँ उनके अहंकार का और माया का केंद्र है। और फिर इतनी जोर का प्रतिघात आता है माया का कि उनसे झेला नहीं जाता, और फिर हाया करते घूमते हैं, कहते हैं अरे आचार्य ने मरवा दिया, तुमसे कौन कह रहा था कि एक झटके में तुम जा करके उसके गढ़ में उसको चुनौती दे दो, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं, तुम इतने बड़े सुरमा होते तो तुम आज तक हारते क्यों रहते, जीवन भर हारते आए हो, अब आचार्य से दो बातें सुनकर के सीधे माया के दुर में घुस गए और वहाँ जाके उसको चुनौती दे रहे हो, पलट कैसा मारती है फिर कि जिंदगी भर हाया करते घूमते। जिन्हें युद्ध जीतना होता है, जो विजय और संघर्ष के प्रति गंभीर होते हैं, वो बहुत सोच समझ करके अपने मोर्चों का चुनाव करते हैं ना। जो सबसे ज़बरदस्त मोर्चा होता है उसको वो आसानी से या प्रतिकूल समय में खोलते ही नहीं है, कहते हैं ये मोर्चा मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि मैं इसको जीतने के प्रति बेहद गंभीर हूँ, इसीलिए इसको उपयुक्त समय पर ही खोलूंगा। हिटलर की हार का बड़ा कारण क्या था? गलत समय पर गलत मोर्चा खोल दिया।